मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी धंजल, और मैं हूँ अभी चलो का सोल के साथ। मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। आपने अगर वाई चीन के बारे में सुना होगा, ये तो कहीं और ही भाग रहा है, इसको कैलिब्रेशन की नीड है। ओह, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, और मिलते हैं टिल नेक्स्ट टाइम। और मैं जा रही हूँ, ये सुंदर है, ये शैतान डॉग है, बहुत हरकतें करता है ये। तो मैं जा रही हूँ वाई चीन की तरफ, लेट्स गो टू वाई चीन। वाईचीन एक वैली है जो कि पड़ती है यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स के डिस्टेंस पे, और वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अभी तक वाईचीन नहीं गए तो वाईचीन ज़रूर जाना चाहिए, एंड आई गेस रमन विल बी वेरी एक्साइटेड। ये तुम्हारे कैसे रिएक्शन होते हैं रमन? गाड़ी का एक टायर पंचर है आगे वाली का, एंड ऑल द पीपल आर ट्रैवलिंग, दिस ग्रुप इज गोइंग विद अस एक्चुअली। और आज रमन कह रहा है मुझे सोलो ट्रैवलिंग वाली पर मतलब वाइब खराब कर दी, मतलब कभी कभी ग्रुप के साथ घूमने में मजे आते हैं। एंड ही सेइंग कि नेक्स्ट टाइम मैं ग्रुप ही दूंगा, पैसे देंगे ना ग्रुप मुझे अच्छे खास हैं। देखो मैं पर बंदा 2000 रुपये चार्ज करूंगी। सो गाइस, एंटर करते हुए हम गुफा के अंदर, और कुछ ऐसे नज़ारे हैं जिसमें कुछ नहीं दिखता आपको। रास्ते अभी तक बने नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ की रोड कभी बन भी पाएगी, यहाँ पे मेंटेनेंस का कोई स्कोप दिखता नहीं है। सो गाइस, ये है मलाना की एंट्री का गेट जहाँ से आप जाते हो ट्रेल के लिए मलाना के। सो गाइस, मेरे लेफ्ट साइड है मलाना विलेज का ट्रेल, जैसा कि बता चुकी हूँ, जो कि हार्डली लगता है 30 to 35 minutes यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पर टैक्सीज की बहुत ज़्यादा खोज पोछ होती है। मेरे सामने के कैमरे के व्यू दिखा के दिखा दो। यहाँ पे आपको टैक्सी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो आई सजेस्ट यू अपना टू व्हीलर रेंट पे लेने के लिए। भाई आपने गाड़ी कहाँ रुकी है, आपको कहाँ जाना है और क्या चाहते हैं, मैं आगे से काटूँ? ऑटो वाले भैया पागल हो गए हैं, बड़ी देर से बीच बीच में रो रहे हैं। पापा मम्मी ब्लॉग देखते हैं मेरा, तो क्या हो गया, पागल भी ना बोलो यार। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ियाँ फंस चुकी है, घसन बन चुके हैं गाड़ियों में। रोक जा, रोक ले टैक्सी वाले भैया, रोक ले। हमारे घर का इतना नीचे है पता है? पता है। चल राइट काटो धीमे। सो गाइस, ऐसा एंट्रेंस में आपको मिलेगा, ये आम रास्ता नहीं है जो कि आपको कुछ वूपी वाइब्स दे सकता है, बट ऑल्दो ये आम रास्ता ही है, बड़े स्टार्ट सीढ़ियों से होता है। और यहाँ का व्यू तो वैसे भी मार्वलेस है जहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। सो गाइस, कुछ इस तरह का ट्रेल है, और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी आई है, बट वो कहाँ से आई है, कुछ उस तरफ से आई है। इसमें 4x4 हो सकती है, क्योंकि कार तो ऊपर जा नहीं सकती, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाओगे ये ट्रेल उतना ही ख़त्म सा होता जाएगा, बिल्कुल पतला, आई मीन नैरो रोड्स। सो गाइस, यहाँ पे गाड़ियाँ भी आने लग गई हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू सी का है, तीसरी बार यहाँ आने के बाद भी 4x4 का नाइस। नहीं, इसका मतलब रास्ता छोटा हो गया। मैं लास्ट टाइम जब आई थी परहट इतना नहीं था, मेरे से 50 rupees वन साइड लिए थे जब मैं मलाना से यहाँ तक आई थी 4 kilometers की डिस्टेंस पर। जैसे आपको पता कि यहाँ पे कौन सी नदी फ्लो करती है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार गूगल चेक करो, नहीं तो मैं कमेंट पे ज़रूर बताऊँ, मतलब आप लोग कमेंट्स पे बताओ, मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। लास्ट ईयर से गाड़ियाँ स्टार्ट, हाँ पहले मैंने ट्रैकिंग ही करी है यहाँ पर, तो हमने गाड़ी लिया गाइस 100 rupees में, 100 rupees पर बंदा, 1000 रुपये पड़ता है नीचे जो। कीचड़ में पैर धंसते हुए, हाँ मोबाइल पे ना। हम पिछले 1 घंटे से ये ट्रेल चल रहे हैं, पता है
सो गाइस हम ये पहुंचते हुए वाईचीन, और ये सामने जो आपको दिख रहा है ये सारा माल की खेती है। आपको ये मत टाइप करना आपके सांस चढ़ रही थी, अच्छा खाया करो भाई। मैं कहीं नीचे से आई हूँ, इसमें कुछ खाने पीने का दोष नहीं है। सो गाइस हम आए थे म्यूज़िक कैफे जहाँ पे हमारा कट्टा कट गया, क्योंकि बता मलाना में से कोई है ही नहीं, वाईचीन में से कोई है ही नहीं। और हम ऊपर आए स्पेशली कुछ खाने के लिए, भूख लगी है बहुत। इसके बाद हम भीड़ की तरफ निकल रहे हैं। वी आर नॉट श्योर, इवन हम कैश भी लेके नहीं आए। ये जो सामने लड़का है हीरो, ये कैश लाना भूल गया गाड़ी से, और आधे रास्ते आके बोलता साक्षी कैश ट्रैक आई मीन ट्रेल लिटिल टफ है, बट यू कैन डू इट अगर आप यहाँ आना चाहो। चलो नीचे उतरते हैं, हमारा समय ना व्यर्थ करते हुए। माय स्टूपिड हार्ट, चलो कहाँ तुम तुम्हारे की जा रही है, पैर भी ले जाएंगे, चला जा भागी। कहाँ से जाते हैं ये? यहाँ पे कब से है पता नहीं, कहाँ कहाँ से आई है। पहले ऊपर थी पर यहाँ कहाँ से पहुँची अब पता नहीं, बट सच में नहीं पता ये कहाँ कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पहले एक साल पहले कोई व्हीकल आ नहीं सकता था। फाइनली इसको ठंड लग गई, 5 कितना 6 डिग्री टेम्परेचर पर 5 था, ये बनियान में घूम रहा था। यक, खैर हम कुछ खाने रुके हैं, बीच में वाटरफॉल कैफे आया, इसका नाम लिखा है मैजिक वैली मलाना, मगर हम वाईचीन में हैं, आई एम नॉट श्योर, जिसमें हम मैगी का वेट कर रहे हैं आने का। वाईचीन ऊपर पड़ता है जिसमें मलाना। सो गाइस हमारी गाड़ी में 76 की एवरेज दिखा रहा है और अभी हम उतर रहे हैं वाईचीन या मलाना बोलूँ। सो हम लोगों को भूख लगी थी, हम आ गए वापस यहीं पे पहाड़ी खाना खाने से लोग चल के बाहर, और हम खा रहे सिड्डू, क्योंकि मलाना का जो मेन गेट पड़ता है वो यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर पर है, नहीं यार कम ही है वैसे तो। और गाड़ी की रेंज अभी तक, गाड़ी की रेंज कितनी बची है? 50 कुछ थी। चलो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं कि नहीं पेट्रोल पम्प, पहले खाते हैं बैठ के सिड्डू। चलो भैया बाय, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।